तो दोस्तों एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 की आंसर की रिलीज हो चुकी है और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप लोगों ने अपनी आंसर की देख ली है, अपने स्कोर्स भी आप लोगों को शायद पता होंगे। और इसके बाद शुरू होता है ईमेल का सैलाब कि मेरे बहुत कम मार्क्स से मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, क्या करूँ, मैं तैयारी कर रहा था, मैं अब छोड़ दूँ, क्या करूँ। तो ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा क्योंकि जो मुझे कहना था मैं कह चुका हूँ। अगर आपके मार्क्स कम हैं, आपको लग रहा है कि जितने मुझे आने चाहिए थे उतने मेरे मार्क्स नहीं हैं, उससे कम हैं, कट ऑफ तो पार कर जाऊंगा बट मतलब जॉब मुझे नहीं मिल पाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ एक वीडियो का जो कि मैंने लगभग 2-3 महीने पहले बनाई थी, वो जाके देख लीजिए। आपको सब कुछ शीशे की तरह पता चल जाएगा कि क्या मार्क, क्या वैल्यू है टीयर वन का, ठीक है। बस उस वीडियो को देखना पूरा ध्यान से, आपको और कुछ देखने की, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कट ऑफ वगैरह क्या रहेगी, तो बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो कि एनालिसिस करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के डेटा को कलेक्ट करके, अच्छे अच्छे चैनल्स हैं तो उनको आप रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे आपको एक आइडिया मिल जाएगी कट ऑफ क्या जाने वाली है, ठीक है, एक आइडिया, रफ आइडिया आपको मिल जाएगा। और अगर आपने ऑनेस्टली अगर आपने प्रिपरेशन ढंग से करी है ना, अगर थोड़ा भी आपने पढ़ाई किया, थोड़ा भी सीरियसली पढ़ाई किया है, तो कट ऑफ आपके लिए कोई बैरियर नहीं होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो वो वीडियो देख लीजिएगा, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। जिनका कट ऑफ, जिनका काफ़ी अच्छा मार्क्स है उनको कंग्रेचुलेशन, जिनके कम मार्क्स है उनके लिए वो वीडियो, और वैसे बच्चे जिनके मार्क्स बहुत ही कम थे, मुझे लगता है उनको पहले से ही पता होगा कि उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, जिनके बहुत ही कम मार्क्स हैं, तो वो बिल्कुल 2020 पर फोकस कर दीजिए। 20 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अगर अभी से प्रिपरेशन करते हैं आप तो आप उस टाइम तक बहुत अच्छे लेवल तक पहुँच जाओगे, बहुत ही अच्छे लेवल तक। तो किसी के पास बैठ के मतलब आप लोगों को फ्रस्ट्रेट होने का अगर बहाना चाहिए तो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फ्रस्ट्रेट होने का टाइम है आपके पास। हर तरह के बच्चों के लिए अलग अलग काम है, तो अपने काम में जी जान से लग जाइए, मेंस को फोड़ के रख दीजिए, चाहे वो मैथ्स हो चाहे इंग्लिश हो, एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, मॉक टेस्ट का हो, सारे टेस्ट सीरीज को रगड़ मारिए, आग लगा दीजिए लिटरली। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।